राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए और 5 राजकीय विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ और 92 नए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 26 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बाड़मेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 26 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्रिपरेटरी ग्रांट के रूप में 5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन गत वर्ष किया गया है। इसरो द्वारा रूसा भवन पोर्टल पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 229 जियो टैग पॉइंट स्वीकृत किए हैं, जिसमें राजस्थान पहले स्थान पर है। सरकारी कॉलेजों में स्टूडेंट की स्किल बढ़ाने के लिए दिशारी योजना लागू की, जिसमें विद्यार्थियों की कोचिंग एवं दिशारी ऐप लॉन्च किया गया। माहेश्वरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 6,900 सेकेंड ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृतियाँ जारी की, जिसमें से 3,200 सेकेंड ज्यादा पदों पर नियुक्तियां कुछ ही समय में कर दी जाएंगी। शेष 3,700 सेकेंड ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम युवाओं को बेहतरीन शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना है और इसमें राज्य सरकार कहीं भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के 130 पदों पर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते ही पदस्थापन आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथ ही LDC के 217 स्टेनोग्राफर के 42 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भिजवा दिए गए हैं और पुस्तकालय अध्यक्ष के 152 एवं शारीरिक शिक्षकों के 169 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इनके नियमों में संशोधन के तुरंत बाद की जाएगी। माहेश्वरी ने बताया कि प्रदेश के 94 राजकीय कॉलेजों में नियमित विद्यार्थियों के लिए इग्नू के जरिए कौशल विकास के प्रथम चरण में 16 पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। सरकारी कॉलेजों में स्टूडेंट की काउंसलिंग, प्लेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए युवा स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। सरकारी कॉलेजों में 13/14 में 130 युवा विकास केंद्र थे, जिन्हें बड़ा कर 207 किया गया। इस योजना के तहत 33 जिला मुख्यालयों पर चयनित कॉलेजों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कुल 75 सरकारी कॉलेजों में स्मार्ट क्लास योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए 34 कॉलेजों में से 15 कॉलेजों में स्मार्ट क्लास सुविधा शुरू की गई है। साल 2017-18 से नए निजी कॉलेजों और पहले से चल रहे कॉलेजों में सभी आवेदन पत्र ऑनलाइन कर दिए गए। सरकारी कॉलेजों में लाइब्रेरी में पुस्तकालयों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। इसकी शुरुआत 7 सरकारी कॉलेजों से हो गई है। पहले चरण में 115 सरकारी कॉलेजों को वाईफाई करने पर काम चल रहा है, जिससे सरकारी कॉलेज झालावाड़, बारन, जयपुर, धौलपुर, सीकर के कॉलेजों को वाईफाई कर दिया गया है। शिक्षकों के पदनाम भी बदल दिए गए हैं। इन कॉलेजों में अब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर होंगे। 2015-16 सेकंड सभी राजकीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक व कर्मचारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं की परीक्षा में 75% से अधिक लाने वाली छात्राओं को 3 साल में स्कूटी वितरण पर 8,50,00,000 खर्च किए हैं। बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में 26 छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। संस्कृत भाषा के महत्व को बनाए रखने के लिए 1,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें विभिन्न संवर्गों में नियुक्ति दी गई। राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर के नए भवन के लिए 6,54,00,000 का बजट स्वीकृत किया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग के 4 महाविद्यालयों को 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जयपुर में 21-22 दिसंबर को जयपुर हाई एजुकेशन एंड HR कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसमें देश भर से जानी मानी कंपनियों के HR मैनेजरों को बुलाया जा रहा है, जिससे वो जयपुर आकर राजस्थान में उच्च एवं तकनीकी कॉलेजों से रूबरू हो सके। इन कंपनियों के साथ राजस्थान
के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर भी तैयार किए जाएंगे। 13 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में बनी और उससे पूर्व जो 2003 से 8 नेतृत्व में चल रही सरकार, इसलिए आपके सामने लेखा जोखे में मैं बताना चाहूंगी कि जो 2008 से 13 का जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा, उसमें जो हमारे राजकीय महाविद्यालय थे वो 179 महाविद्यालय थे राजस्थान के अंदर, बढ़कर वो 224 अभी वर्तमान में है। इसके अलावा जो निजी महाविद्यालय थे वो 1331 थे जो 1510 हुए। पिछले सरकार में जो घोषणाएं हुई थी राजकीय महाविद्यालय की, वो 42 महाविद्यालय की घोषणा पिछली सरकार ने की थी। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, आपकी जानकारी में डाल दूं, उसको शायद 4-5 महीने हो गए ऑर्डर को निकले। उसमें हमने जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इंस्ट्रक्ट किया है कि आपके जितने लेक्चरर्स हैं वो सब आप ऑनलाइन करेंगे, आपके जितने कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन करेंगे, एडमिशन्स को आप ऑनलाइन हम लोगों को बताएं, उसमें उस पर हमारे पोर्टल के ऊपर डालेंगे, जो हमने कहा ना उच्च शिक्षा पोर्टल जो हमारा बनना है उसके अंदर उन्हें वो सब इन्फॉर्मेशन डालनी है, कौन लेक्चरर्स हैं, क्या उनकी एजुकेशन है, क्या उनके कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्सेज कब शुरू करें, और कोर्सेज जब शुरू करते हैं, जैसा आपका प्रश्न है कि फर्जी डिग्रियां, अब वो कोर्सेज शुरू होते हैं जुलाई में होना है, अगस्त में होना है, लेकिन वो एडमिशन हो रहे हैं जनवरी में, फरवरी में एडमिशन होकर और तुरंत उनको उसमें लेकर डिग्री दे देते हैं। तो ये भी हम लोगों ने कर दिया कि आपका लास्ट एडमिशन वो कब होगा, लास्ट उसकी डेट कट ऑफ डेट आपकी आ जानी चाहिए, और उस समय कितने स्टूडेंट्स ने किस कोर्स के अंदर एडमिशन लिया वो सब ऑनलाइन। मैं समझती हूँ ये सारी चीजों से जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था, कभी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उनसे नहीं मांगी, ये सब इन्फॉर्मेशन जब उनकी आएगी तो ऑटोमेटिक सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ये सब जो संभावना है उल्टा सीधा करने की तो नहीं। जहां तक हमारे कांग्रेस का कार्यकाल था, उस कांग्रेस के कार्यकाल से पहले जो 2003 से 8 वसुंधरा जी के समय में जो पद हमने स्वीकृत किए थे वो 957 पद हमारे स्वीकृत हुए थे, जिसमें से हमारे 456 दो चरण में लेने थे, 456 एक लेना था, 457 एक लेना था। 456 हम लोगों ने 2006 और 2007 के बीच में भर्ती कर लिए, और 457 जो 2008 तक भर्ती होने थे नहीं हुए, उसको अगली सरकार ने मात्र वही जो स्वीकृत हमारे समय में थे वही पद भरे। इसके अलावा एक भी नए पद का सृजन पिछले 5 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद जिस तरीके से पदों की स्वीकृति जो हुई है वो बहुत ही रिमार्केबल है, और ये आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो पद अभी जो स्वीकृत हुए वो 1248 पद हमने स्वीकृत किए 2008-09 में, और उसमें जो शुरुआत करी है भर्ती की आरपीएससी के माध्यम से, करीब 164 जो है वो हमारे सिलेक्शन हो गए, उसमें से 6 विषयों के जो है हमारे व्याख्याता उसमें सिलेक्ट हुए हैं, और उसमें से 117 को हमने पोस्टिंग भी दे दी है। अभी सारे सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। ये 1248 जो पद जो स्वीकृत हुए हैं वो सिर्फ इसी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो 25% जो हमारे यहाँ पर वैकेंसीज थी उन 25% वैकेंसी को शुरू करने का काम किया, जिसे 0 वैकेंसी तक हम लाना चाहते हैं, और उसमें हमने जो ये 1248 के अलावा जो हमारे आने वाले 31 मार्च 2018 तक जो और नए पद हम लोगों के रिक्त होंगे और उनको भी हमें जो भरने होंगे उसकी भी वैकेंसी हम लोगों ने निकाल ली, उसकी फाइनेंस से हमने सैंक्शन ले ली। 939 और ऐसे पद हैं जिनकी स्वीकृति हमें आ चुकी है, और उसको भी हम आरपीएससी में भेज रहे हैं ताकि उसका एग्जामिनेशन का प्रोसेस उसका भी शुरू हो सके। तो मैं कह सकती हूँ कि मार्च 2018 तक का हमने विजुलाइज करके और जितने जो पद आप भी आने वाले समय में रिक्त होने वाले हैं उसको भी हमने अभी एनालाइज करके और फाइनेंस से स्वीकृति ले ली। तो 1248 होने के पश्चात 939 और ऐसे नए पद होंगे जिसको कि हम लोग भरने की प्रक्रिया हमारी शुरू होगी।